सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। वक्त तेरा लाख शुक्रिया, जो भी सीखा तुझसे ही सीखा है। दुनिया में हर इंसान गलत है, इसलिए जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार करना सीखी। जिस तरह सोच समझकर बोलना एक कला है, वैसे मौन रहना भी किसी साधना से कम नहीं। हर चैलेंज में एक चांस छुपा होता है। आज का पंचांग 2 अप्रैल 2023 दिन रविवार, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि, सुबह 6:24 तक रहेगी। मघा नामक नक्षत्र सुबह 7:24 तक रहेगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय शाम 5 बजे से 6:32 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:58 से 12:46 तक रहेगा। आज का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:36 से 5:25 तक रहेगा। आज चंद्रमा सिंह राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मीन राशि पर रहेंगे। कर्क राशि 2 अप्रैल 2023 दिन रविवार, आप सकारात्मक ऊर्जा से भरे हुए हैं। हालांकि आपका उद्देश्य अच्छा है, परंतु आपकी बातों का हर स्थान पर स्वागत नहीं होगा। आपको अपनी प्रवृत्ति का उपयोग अपनी आपको खुशी देने के लिए करना चाहिए और आज आप अपने ऊपर अच्छी खासी रकम खर्च कर सकती हैं। जहां तक दूसरों के बारे में आपकी राय का सवाल है, अपने ऊपर थोड़ा सा नियंत्रण रखें, क्योंकि आपके कार्यकलापों को गलत भी समझा जा सकता है। दिन सुखद रहेगा, परिवारजनों के सहयोग से आपके अटके हुए काम पूरे होंगे। सामाजिक जीवन में मान सम्मान भी बढ़ेगा। दूसरों की भावनाओं का सम्मान करने से लोगों का आपके प्रति विश्वास बढ़ेगा। अपने प्रयासों के जरिए परिस्थिति बदलने की कोशिश आपके द्वारा की जाएगी। मन में उत्पन्न हो रही निराशा आपके लिए बाधा बन सकती है। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करना आपके लिए आवश्यक होगा। जितने डिसिप्लिन से आप काम करेंगे, उतने आसानी से परिस्थिति बदलने लगेगी। अभी का समय आपको कठिन महसूस होगा, लेकिन प्रयत्न जारी रखें। काम संबंधित गतिविधियों को मानकर उनमें सुधार करने की कोशिश करें। आपको अधिकारियों से दोबारा मौका दिया जा सकता है। रिलेशनशिप संबंधित जो बात आपको कठिन महसूस हो रही है, उनके लिए अपने विचारों को परख कर बदलने की कोशिश करें। सावधानियां, ध्यान रखें कि जल्दबाजी में लिया गया कोई फैसला गलत भी हो सकता है, इसलिए सोच समझ कर ही निर्णय लें। घर के वरिष्ठ सदस्यों के मार्गदर्शन और सलाह की अवहेलना न करें तथा उनका मान सम्मान बनाए रखें। बात करते हैं लव लाइफ की। पारिवारिक जीवन मधुर रहेगा। प्रेम संबंधों के मामलों में मधुरता बनाए रखने के लिए आपके प्रयास विशेष रहेंगे। आज के दिन कई चीजों को ग्रहण करने के लिए है, इस तरह से आप बेफालतू के झगड़े से बच जाएंगे। परंतु कभी कभी आपको बोलने की भी आवश्यकता है। अगर आपके साथी का दृष्टिकोण और व्यवहार आपको परेशान कर रहा है, तो अपने साथी से इस मुद्दे पर वार्तालाप करें। इन बातों से आप बेहतरी की दिशा में आगे बढ़ेंगे। आपको अपने मूल्यों और सिद्धांतों के कारण जाना जाता है, अपने सीमा के भीतर कार्य करें। बात करते हैं करियर की। आपने हाल फिलहाल इसीलिए धन खोया क्योंकि आपने अविवेकपूर्ण तरीके से जल्दी पैसे देने वाली मृत तृष्णाओं वाली परियोजनाओं में पैसे लगाए। इस तरह की और परियोजनाएं आपके समक्ष आएगी, लेकिन आपको अपने विवेक का इस्तेमाल करना है, अन्यथा आप वित्तीय परेशानी में फंस सकती हैं। आपको अपनी निवेश के निर्णय चरणबद्ध तरीके से लेने हैं और विशेषज्ञों की राय के अनुसार आगे बढ़ना है। पर आपकी आदत है कि सिर्फ खाली प्रस्तुतिकरण एवं चमकती हुई चीज की तरफ भाग बढ़ती हैं, जो कि आपको छोड़नी है। कारोबारी मामलों में लेन देन संबंधित गतिविधियों में स्पष्टता रखें, सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा। आपके कार्य सुचारू रूप से संपन्न होते जाएंगे। अधिकारियों के सहयोग से महत्वपूर्ण उपलब्धि मिल सकती है। बात करते हैं सेहत की।
आपके खाना खाने संबंधित आदतें कभी भी बहुत अच्छी नहीं थी। आपके स्वास्थ्य ठीक रखने की सभी नेक इच्छाएं और कोशिशें मजेदार फास्ट फूड देखते ही मिट्टी में मिल जाती है, लेकिन आप ऐसा करते नहीं रह सकते। आपको आज काफी आदतें और मीठे स्नैक्स खाने से बचना होगा, क्योंकि इससे आपको पेट की गंभीर तकलीफ हो सकती है। आज आपको जरूर अपने लिए उपयुक्त और अधिक स्वास्थ्यकर अनुकूल डाइट प्लान बनाना चाहिए। आज का उपाय, आज बरगद के पेड़ पर जल अर्पित करें, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।